Finally, the time has come. Hello there everyone and welcome back to the Pokemon Let's Go Pikachu. जहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने पूरा का पूरा विक्री रोड जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया था एंड साथ ही साथ वी कैच दी मोल्ट्रेस एंड फाइनली हमारी जो फाइनल टीम है वो मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बता दी थी. सो यस, उसकी ट्रेनिंग जो है उन लोगों की ट्रेनिंग पूरी पूरी हो चुकी है. सो एज ऑफ नाउ दोज पोकेमॉन्स आर एट दी लेवल 60. सो आई गेस ये मोर देन इनफ रहेगा मुझे चैलेंज करने के लिए फॉर दी कह सकते हो कि पोकेमॉन लीग. अटैक्स भी आप लोग देख ही सकते हो. कटाब्रा विल नॉट बी इवॉल्व इन टू दी अलग एग्जाम जस्ट बिकॉज आई एम प्लेइंग ऑन दी इमुलेटर एंड आई डोंट नो कि कह सकते हो कि कैसे इसको इवॉल्व करते हैं. मैंने वीडियोज भी चेकआउट किए बट वो सब मुझे समझ नहीं आए. सो आई एम जस्ट लिविंग इट हियर. अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में जाकर बता दीजिएगा कि मैं कह सकते हो कि इम्यूलेटर से जो है वो यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकता हूँ ताकि वो इवॉल्व हो जाए. बट खैर, कटाब्रा भी ठीक है. वैसे हम लोग कटाब्रा के साथ भी जो है वो कह सकते हो कि चैलेंज कर सकते हैं. सो पहला जो पोकेमॉन है वो मैं यहाँ पर ब्लास्टोइस को रख रहा हूँ. करंटली ब्लास्टोइस जो है यहाँ पर ओपनिंग करेगा इस बैटल के लिए. बट देखते हैं कि कौन होता है चैलेंज के लिए. ओके, सो पिकाचू को लेकर आऊँ क्या? पिकाचू को रखे हैं. यस, पिकाचू के साथ चले जाए क्या? जितना मुझे याद है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन होता है और कौन था यहाँ पे जब हम लोग भगवान फायरड खेला था. लायंस तो लास्ट वाला है यानी कि लास्ट फोर्ड मेंबर है. एगाथा भी आएगी शायद से. ओके, सो देखते हैं पहली कौन है. ओह हाँ, इससे हम लोगों ने मुलाकात की थी वैसे तो. ये एक वाटर टाइप है तो अच्छा हुआ मैंने पिकाचू को रखा. लोर रेली, वेलकम टू द पोकेमॉन लीग. ओ, ऐसे लगता है तुम फाइनली यहाँ पे आ गए. इट्स श्योर तुम्हें थोड़ा सा समय लगा. वेल देन, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं हूँ लोरेली ऑफ द एलिट फोर. मुझे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया जब बात आइस पोकेमॉन की आती है. फ्रीजिंग पोकेमॉन काफी पावरफुल होते हैं. तुम्हारे पोकेमॉन जो है वो मैं कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगी. दैट्स बिकॉज फ्रोजन पोकेमॉन कैन डू एनीथिंग. क्या तुम तैयार हो? Always ready. So, yeah guys, here we go. Through the gamer versus the first Elite Four member of this Kanto region, Lorelei. And उसे शुरुआत करी है ड्यूगोंग के साथ. एक जब आप लोगों को टिप देना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट एपिसोड में दी थी ऑलरेडी. आज हम लोग एलिट फोर प्लस चैम्पियन वो दोनों बैटल्स करने जा रहे हैं. टोटल पाँच बैटल्स करने हैं हम लोगों को. सो देखते हैं कितना ज़्यादा जो है वो इंटेंस हो जाते हैं बैटल. वरना नॉर्मली मैं क्या करता था आप लोगों को तो पता ही है, डिवाइडेड इन दी फाइव डेज. बट आज एक ही दिन में हम लोग जो है वो एंड आज एक ही एपिसोड भी आने वाला है. पोस्ट गेम जो है यहाँ पर हम लोगों का कल से स्टार्ट होगा. आज एक एपिसोड इस वजह से आ रहा है क्योंकि मुझे जो है वो आज मेन एपिसोड है यहाँ पे पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू का. ऑल राइट, सो नेक्स्ट अप इज द जिंक्स. ड्यूगोंग को हम लोगों ने थंडरबोल्ट की मदद से हरा दिया था. सो जिंक्स के लिए जो है यहाँ पर मैं चैरिजार्ड को लेकर आना चाहता हूँ क्योंकि जिंक्स इज द प्रॉपर आइस टाइप पोकेमॉन. ड्यूगोंग जो था वो एक वाटर टाइप पोकेमॉन था प्लस आइस टाइप था तो उस वजह से मैंने वाटर टाइप का उसको एडवांटेज मुझे डिफीट करना था क्योंकि उसको फायर टाइप अटैक्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे. सो यस, ये रहा हमारा पहला कह सकती है कि आज का मेगा एवोल्यूशन. जी हाँ गाइज़र, यहाँ पर ये बैटल में जो हूँ यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ हमारे मेगा चारिजार्ड एक्स के साथ. सो फ्लेम थ्रोवर दे दी है उसने. मे बी इट विल बी इनफ. यस, इट वाज इनफ. यहाँ पे उसने कह सकती हो कि जिंक्स को जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया है. सो द थर्ड पोकेमॉन जो है वो लोरेली का है वो है लैपरस. सो लैपरस के अगेंस्ट जो है यहाँ पर मैं पिकाचू के फिर से लेकर आ जाता हूँ. ऑल राइट, पिकाचू आ जाओ. ओके, सो अभी देखते हैं यहाँ पे पिकाचू के अगेंस्ट. ऑल राइट, तो लैपरस आ चुकी है फिर से. ओके, उसका मेन पोकेमॉन है यहाँ पे लैपरस. ओके, तो मैंने थंडर दे दिया है वैसे एंड इट ड्रॉप्ड. अच्छा हुआ ये ड्रॉप हुआ क्योंकि ये अभी जो है यहाँ पर सिर्फ उसे एक अटैक और देना है एंड देन द बैटल विल बी डस्टेड. ओह, तो उसने मूव भी अटैक अवॉइड किया है तो थंडर बोल्ट दे देते हैं एंड हियर इट इज़ गाइज. तो फाइनली जो है यहाँ पर कह सकते हो कि लैपरस भी यहाँ पर सक्सेसफुली बीट डाउन हो चुकी है. ओह, मज़ा आया इस बैटल में. ओके, तो देखते हैं इसका सेकंड थर्ड पोकेमॉन तो लैपरस थी. फोर्थ पोकेमॉन जो है वो उसके लिए यहाँ पर मैं पिकाचू को रख रहा हूँ क्योंकि क्लोस्टर इज ऑल्सो वाटर प्लस आइस, नॉट दी ओनली आइस टाइप. तो पिकाचू को ही हराना है.
ओके थंडर थंडर की एक्यूरेसी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि थंडर की एक्यूरेसी इतनी है नहीं। सो क्लोएस्टर को भी हरा दिया यहाँ पर मैंने, उसका ये फोर्थ पोकेमोन है वैसे तो, सिर्फ अभी एक ही पोकेमोन बचा होगा होपफुली, एंड द लास्ट वन इज द स्लो ब्रो। ऑल राइट, तो स्लो ब्रो के अगेंस्ट भी पिकाचू को ही रख रहा हूँ, तो ये पूरा बैटल पिकाचू का था। सो कह सकते हो कि फर्स्ट बैटल का मैन ऑफ द मैच विल बी गिवन टू द पिकाचू। यस, पिकाचू ने जितने जो है यहाँ पर बैटल किया है यहाँ पे विदाउट एनी फेल, यस उसका पहली हिट लगी है इन पांच पोकेमोन्स के बीच में, मे बी शायद दूसरे भी हो सकती है, बट अवॉइड इसने जो मूव किया था ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। सो दैट इज़ वाई हमारा पहली मैच का जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड जाता है जो है पिकाचू के लिए। सो देखते हैं यहाँ पर, अभी मैंने लोरेली को जो है यहाँ पर डिफीट कर दिया है। थिंग्स ऐसे नहीं जानी चाहिए थी। तो 10,400 हमारी टोटल अर्निंग हुई इस बैटल से। लुक्स लाइक कि तुम स्ट्रांग हो चुके हैं पिछली बार से, जाओ आगे की तरफ। तुमने बस अभी पोकेमोन लीग के थोड़े से टेस्ट कर लिया है। ऑल राइट, तो फर्स्ट को तो मैंने हरा दिया, बट माय पोकेमोन नीड्स अटेंशन, यानी कि उनको थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। रिवाइव की तो नहीं, बट पिकाचू नीड्स दी हाइपर पोशन। यस, हाइपर पोशन और किसी को चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि पिकाचू ही थोड़ा सा डाउन हो चुका था। सेव कर लेता वो गेम को, क्योंकि सेविंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल वी आर प्लेइंग एनी गेम। तो यहाँ से अभी ऊपर की तरफ चले जाते हैं, सीधा की तरफ, यानी कि सीधे। ओ सो ब्रूनो है सेकेंड वन, इनके खिलाफ ना मैं यहाँ पर कटाबरा। देखा मैंने क्यों कटाबरा को चुना ना, मेरे पास पीजीओट था ऑप्शन में, बट आई चूज दी कटाबरा क्योंकि अच्छा जाएगा ये बैटल। मैं हूँ ब्रूनो ऑफ द एलीट फोर। ऑल राइट, मेरी अपनी ट्री की ट्रेनिंग की वजह से मेरे पोकेमोन स्ट्रांग हो चुके हैं विदाउट लिमिट। मैं ट्रेन करता हूँ फाइटिंग टाइप पोकेमोन को एंड ये कभी नहीं बदलेगा। ऐश हो ना तुम, मैं अपनी पूरी पावर ग्राइंड करूंगा। हाँ, एक फाइटिंग टाइप बैटल अब होगा असली मुकाबला। वो पहला बैटल जो था वो सब लोगों के लिए एक टेस्टिंग बैटल था, बट ये बैटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अरे यार, मुझे शायद कह सकते हो कि ब्लास्टर्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए था, आइडिया नहीं थी वैसे मुझे कौन सा पोकेमोन आएगा उस वजह से, तो साइकिल के साथ चले जाता हूँ। बस उसका रॉक टाइप मूव नहीं आना चाहिए। ओह, साइकिक भी वर्क कर गया वैसे उसका पहले पोकेमोन को डाउन करने के लिए। लेट्स सी नेक्स्ट सेकेंड वन कौन होता है, माचैम्प। ऑल राइट, सो माचैम्प है यहाँ पे, देखते हैं इसके खिलाफ यहाँ पर अभी साइकिक। यस, वंस अगेन साइकिक अगेन। ऑल राइट, तो सेकेंड साइकिक गिर चुका है उसको, एंड यस सो माचैम्प को भी हम लोगों ने वन हिट में ही डाउन कर लिया है। एंड यहाँ पर एक और आप लोगों को टिप देना चाहता हूँ मैं, जिम लीडर के रीमैचेस हम लोग करने वाले हैं पोस्ट गेम में, बट जो कह सकते हो कि एलिट फोर का रीमैच है वो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अगर कमेंट आए तो ही करूंगा, अदरवाइज द गेम विल बी डन एंड डस्टेड। यस, गेम जो है यहाँ पर ज़्यादा एपिसोड नहीं चलेगा लंबा, क्योंकि जिम लीडर्स के रीमैचेस भी मुझे करने नहीं है, बट थोड़ा सा पोस्ट गेम तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा ना, तो उस वजह से जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, सुपर पावर, अच्छा मूव था वैसे, उस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एलिट फोर के रीमैचेस नहीं होंगे इस गेम में, क्योंकि एक बार तो हम लोगों ने हरा दिया है। बस जिम लीडर्स को मुझे टेस्टिंग करनी थी कि कैसे वो लोग अभी बढ़ चुके हैं, तो उस वजह से जो है वो यहाँ पर मैं खेलने वाला हूँ यहाँ पर जिम लीडर के रीमैचेस, अदरवाइज वो भी नहीं करता था क्योंकि फिर काफ़ी छोटी सीरीज हो जाती थी ये वैसे, उस वजह से देखा जाए तो 22 एपिसोड की, मे बी 22 हो या 23 एपिसोड है यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता था, उस वजह से जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा लंबी चलेगी ये सीरीज़। बट जो हम लोग कह सकते हो कि जो एलिट फोर्स के रीमैचेस वो नहीं होंगे, चैंपियन को भी हम लोग दोबारा से नहीं हराएंगे क्योंकि एक बार हरा दिया ना बस हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैं एलिट फोर के रीमैच में एंड ये भी करूँ, सो लेट मी जस्ट नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। यस, साइकिक भी दे दिया है मैंने यहाँ पर हिटमोन ली को, मे बी उसका ये सेकंड लास्ट पोकेमोन है, यहाँ से अभी बस एक ही पोकेमोन बचता है उसका, देखते हैं वो कौन होता है, हिटमोन चैन। और रेडी है, लास्ट पोकेमोन है ना, हाँ यस, पांच ही पोकेमोन रहते हैं इन लोगों के पास, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक और साइकिक दे देते हैं इस बैटल को ख़त्म करने के लिए, एंड हियर इट इज द बैटल इज डन एंड डस्टेड। इट वॉज द कह सकते हो कि क्वाइट Easy फॉर मी, जस्ट बिकॉज हमारी जो टीम थी ना वो स्ट्रांग थी,
एंड कडाबरा की मैंने कहा था ना, इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड जाता है कडाबरा को। यस, कडाबरा ने ही जो है कह सकते हो कि ज़्यादा यहाँ पर पोकेमोन्स को डाउन किया था, सो दैट इज़ वाई कडाबरा इज द विनर। सो देखते हैं इसके थर्ड एलिट फोर मेंबर्स में भी बर्था होगी शायद से। सेव कर लेता हूँ मैं गेम को, बट लेट मी जस्ट हील अप माई पोकेमॉन। कोई डाउन तो नहीं हुआ है, ये सेकेंड टाइम है। एंड कडाबरा की खास बात देखा क्या हुआ, उसने इतने पोकेमॉन्स डाउन किए बट उसको एक भी हिट नहीं लगी अब तक। कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी हमारे लिए। सेव कर लेता हूँ गेम को, 81 पोकेमॉन मैंने अब तक पकड़े हैं इस गेम में। ऑल राइट, यस, मुझे लगा था आएगा था आएगी बर्था है, मुझे याद नहीं है। सो यहाँ से अब ये थर्ड बैटल के लिए ना समरी एक बार चेक करने दो मेरे पास। यस, बाइट है तो साइकिक टाइप तो वर्क नहीं करेगा। साइकिक टाइप वर्क करेगा क्या इस पर? नाइट शेड घोस्ट टाइप मूव है। चलो यार देखते हैं क्या होता है इस बैटल में। मैं हूँ आगाथा ऑन द अलर्ट फॉर्म। तुमने वो ऑक से यहाँ पर तुम इंटरेस्ट ले हो। वो बुढ़ा अभी तक जो है वो टफ एंड हैंडसम था अपने टाइम में, बट वो हो चुका है। वो अभी बस वो उसकी शैडो है। हाँ, उसने जो है यहाँ पर तुमसे पोकेडेक्स करने कहा था। वो कितना पागल है। पोकेमोन बैटल के लिए होते हैं एंड मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी कि क्या एक रियल ट्रेनर बैटल होता है। ऑल राइट, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, एगाथा के घोस्ट टाइप पोकेमोन वर्सेस। ओह, पोचन टाइप पोकेमोन है क्या? पता नहीं यार मुझे, पोचन टाइप पोकेमोन होते हैं कि घोस्ट टाइप पोकेमोन होते हैं आइडिया नहीं है वैसे। साइकिक टाइप, साइकिक के साथ ही चले जाता हूँ मैं। लेट्स सी नाउ। यस, वन हिट इट वॉज इनफ फॉर द आरबॉक। सो देखते हैं उसका सेकेंड पोकेमोन कौन होता है। गेंगा। यस, मैंने कहा था ना घोस्ट टाइप पोकेमोन्स होते हैं। तो अभी यहाँ पर अभी मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो है वो चले जाएंगे नाइट शेड के साथ। यस, देखते हैं कितना ज़्यादा हीट होता है ये। कुछ भी नहीं हुआ यार यहाँ पे, उसने जो है वो कह सकते कि शेडो वॉल दे दिए एंड इट वॉज इनफ फॉर मे कडाबरा। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर कडाबरा जो है वो यहाँ पर डाउन हो चुका है। सो देखते हैं नेक्स्ट अप कौन है। यस, ब्लास्टोइज। ब्लास्टोइज को लेकर आ जाओ क्या नया? और कौन है? नीडोकिंग के पास तो नहीं है वैसे, नीडोकिंग बच भी नहीं पाएगा। चार्जर को ही लेकर, माफ़ कीजिएगा, ब्लास्टोइज को ही लेकर आ जाते हैं। ये मैच में मैन ऑफ द मैच डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ओके बाइट दे देता हूँ बट विद द मेगा इवोल्यूशन। यस, इस बार जो है यहाँ पर हम लोग मेगा इवॉल्व करेंगे हमारे ब्लास्टोइज को। सेकेंड बैटल में हम लोगों ने किसी को भी मेगा इवॉल्व नहीं किया था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, बट अब ज़रूरत है वैसे। ओके, सो अवॉइड किया उसने एक अटैक एंड बाइट की मदद से उसने गेंगार को ही ख़त्म कर दिया। ऑल राइट, सो देखते उसका थर्ड पोकेमोन कौन होता है वैसे। वीजिंग। ओके, सो वीजिंग के इस गेंस्ट में अर्थ पावर नहीं काम करेगी उसको एंड नीडोकिंग काम नहीं करेगा इतना ज़्यादा क्योंकि उसके पास कह सकते हो कि लेविटेट एबिलिटी है। सो मैं जो हूँ यहाँ पर कह सकते हो कि बाइट के साथ वंस अगेन चले जाता हूँ। ओ, वो थंडरबोल्ट कब से रहने लग गया यार, पता नहीं वैसे मुझे। वाटरफॉल के साथ चले जाते हैं, लेट्स सी कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका। ज़्यादा नहीं हुआ। ओके, थंडरबोल्ट वंस अगेन। ऑल राइट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी भी जो है ये बैटल ऑन है वैसे तो। स्केल्ड के साथ चले जाते हैं, मे बी इट विल बी इनफ। यस, इट वॉज इनफ। सो वीजिंग को जो है यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पर मात दे दी है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट अप। ओके, तो गेंगर है नेक्स्ट अप, बट मैं स्विफ्ट नहीं कर रहा हूँ। एक गेंगर को मैंने डाउन कर दिया था, ये शायद इसका एक और गेंगर है, दो दो गेंगर है उसके पास। बाइट के साथ चले जाते हैं। ओ, स्लज बॉम्ब, प्लीज डाउन मत करना। ओके, सो बाइट दे देते हैं। ओ, ये गेंगर पावरफुल था वैसे तो। एक और बाइट के साथ इस बैटल को ख़त्म कर दूँ क्या? बट मेरा ब्लास्टोइज यहाँ पर मे बी डाउन हो जाएगा। यस, मेगा ब्लास्टोइज जो है यहाँ पर मेरा डाउन हो चुका है। सो पिकाचू, अब तुम्हारी बारी। बट आज का मैंने तो मैच मैंने यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया है, इट वॉज द मेगा ब्लास्टोइज। यस, ब्लास्टोइज जो है यहाँ पर अभी इस मैच का मैन ऑफ द मैच था। तो टोटल तीन मैच में कह सकते हो कि तीन डिफरेंट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिल चुके हैं यहाँ पर तीनों को क्योंकि ब्लास्टोइज ने ज़्यादा पोकेमॉन्स को टेक डाउन किया था।
सो लास्ट वन इज दी गोल बैट। एसपी का यहाँ पर इसको देख लेगा गोल बैट को, एक जीपी जैप या थंडरबोल्ट या कौन सा भी मूव यहाँ पर इसके लिए इनफ है, मोर देन इनफ। सो जीपी भी जैप या थंडरबोल्ट, थंडर दे देते हैं वैसे। ओ अटैक कर लिया इसने, अवॉइड कर लिया हमारे अटैक को। जीपी जैप दे देखे एक बार, थंडर के साथ चले जाते हैं एक और बार। मैं देखता हूँ कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है ये थंडर का, एंड इट इज इट, दैट इज इट। वैसे इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने एगाथा को भी यहाँ पर गाइज यार सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर मात दे दी है। ओ माय, तुम सच में स्पेशल हो। हाँ हाँ, तुम जीत गए, तुम अभी और डफ ने तुम पे अच्छा इन्वेस्ट किया है, तुम आगे चले जाओ बच्चे। ऑल राइट, सो थर्ड बैटल इज ऑल्सो डन। अभी वक्त है मेन बैटल का। यस माय, मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ गई है यहाँ पे, बट ओके। सो रिवाइव दे देता हूँ मैं यहाँ पे अपने कर्नाब्रा को। पहला पोकेमोन जो था वो यहाँ पर, दोनों पोकेमोन मतलब कि देख सकते हो आप कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर डिफिकल्ट होगा। ओके मैंने अपनी सांस में सांस लाई मुझे अभी, क्योंकि अभी हीलिंग हो चुकी है मेरी, डन मेरी अपनी टीम पे वो मुझे भरोसा है पूरा कि ये लोग काम कर देंगे मेरा। ओके कौन जाएगा लायंस के अगेंस्ट? लायंस का पहला पोकेमोन मुझे पता भी नहीं है वैसे कौन सा होगा। देखते हैं यार, चलो कड़ाबरा के साथ ही चले जाता हूँ मैं। क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। ब्लास्टोइज, ओके सो ब्लास्टोइज के साथ चले जाते हैं फिलहाल के लिए। एंड सेव, यस सेव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 100,000 हमारी इतनी अर्निंग हो भी गई वैसे। हाँ यस, मैंने बैटल्स किए थे ना ऑफलाइन में ट्रेनिंग करने के लिए, तो शायद तभी अर्निंग हो गई रहेगी। यस, उसका ड्रैगनेट तो देखो यार, पहला ट्रेनर है यहाँ पर इस एलिट फोर में जिसका पोकेमोन बाहर आ चुका है। ओह तो तुम ऐश हो, मैं एलिट फोर को लीड करता हूँ एंड तुम मुझे लैंस द ड्रैगन मास्टर कह सकते हो। यू लाइकली नो दैट ड्रैगन सबसे पावरफुल लेजेंड्स है, वो पकड़ने के लिए मुश्किल होते हैं और उनकी पावर सुपीरियर है, दे आर वर्चुअली इंडस्ट्री। पता नहीं मैंने वो पढ़ा नहीं वर्ड अच्छे से। वेल क्या तुम तैयार हो? तुम्हारा पोकेमोन लीग चैलेंज एंड होता है उससे ऐश। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्रुव द गेमर वर्सेस द एलीट फोर लैंस। जी हाँ गाइज़, यहाँ पर थोड़ा सा डेंजर बैटल हमारा स्टार्ट होने जा रहा है आज से। तो आइस बीम के साथ मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर किंगड्रा के अगेंस्ट। सीड्रा है ना? यस, किंगड्रा नहीं है, सीड्रा है। ओके सो ड्रैगन पल्स, सारे के सारे उसके ड्रैगन टाइप पोकेमोन से रहने वाले हैं, तो दैट विल बी कह सकते हो कि डिसएडवांटेज फॉर अस, क्योंकि ड्रैगन टाइप के अगेंस्ट जीतना भी जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता ज़रूर है। ओके हाइपर बीम, ओ वो पी का जो डाउन मोड होना, बस प्लीज, काफ़ी इफेक्टिव मूव था ये वैसे, बट पी का जो डाउन नहीं हुआ। पी का जो यार काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि हमारे साथ ना ट्रेनिंग उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी की है। सो यस, सीड्रा को यहाँ पर मैंने डिफीट कर लिया, उसका पहला पोकेमोन जो है यहाँ पर मैंने उसको मात दे दी है वैसे। सो देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन कौन होता है यहाँ पे। ओके सो नेक्स्ट अप के लिए ना मैं यहाँ पर ब्लास्टोइज को लेकर आ जाता हूँ। यस, ब्लास्टोइज विल बी माय सेकंड चॉइस। ओके आ जा ब्लास्टोइज। ओके एरोडैक्टल, और एरोडैक्टल के खिलाफ यहाँ पर अभी मैं यूज़ करता हूँ। यस अभी वक्त आ चुका है वैसे अगर देखा जाए तो मेगा एवोल्यूशन का। सो मे बी ये कह सकते हो कि ब्लास्टोइज का सेकेंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड रहेगा, बट लेट्स सी ना। ओ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा ये वैसे, बट यस स्केल की मदद से यहाँ पर मैंने डिफीट कर लिया है सक्सेसफुली। सो देखते हैं इसका थर्ड पोकेमोन कौन होता है। ओके गैराडोस, पिकाचू आई कॉल यू पिकाचू, वहाँ यहाँ पर आ जाओ इस बैटल के लिए। गो ऑन पिकाचू, आई नो यू कैन डू इट। अभी ओके सो गैराडोस आ चुका है नेक्स्ट अप। जीपी जैप के साथ एक बार मैं चल कर देखना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। एंड वो नॉकआउट पंच था यार ये तो, मज़ा आ गया इस बैटल में वैसे। सो देखते हैं ये
ओके चारिज़ार्ड है लास्ट, सेकंड लास्ट पोकेमोन उसका चारिज़ार्ड है वैसे। चारिज़ार्ड वर्सेस मेगा ब्लास्टोइज वर्क नहीं करेगा ऐसे लगता है, क्योंकि हमारे ब्लास्टोइज की जो है ना वो हीलिंग थोड़ी सी डन कम हो चुकी है। ओके सो यहाँ पर अभी ना एयर स्लैश हिट करेगा क्या? नहीं हिट नहीं, हिट नहीं किया, बट मैंने वाटरफॉल दे दी है। ओके कंफर्म कंफर्म भाई कंफर्म, यहाँ पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया है, यहाँ पे दो दो मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले लिए यहाँ पे हमारे ब्लास्टोइज ने। अभी ड्रैगनाइट उसका लास्ट पोकेमोन है, अगर इसको हरा दिया ना तो ख़त्म भाई, ये लास्ट पोकेमोन है वैसे उसका। आइस बीम दे दिए, मेरा पहला हिट हुआ एंड दिस इज इट, यस दिस इज इट। फाइनली हम लोगों ने एलीट फोर लैंस को डिफीट कर लिया है एंड इसी के साथ वी हैव सक्सेसफुली डिफीटेड ऑल ऑफ द एलीट फोर मेंबर। आई नो वी आर नॉट द पोकेमोन लीग चैम्पियन येट, देर इज अ वन मोर चैलेंजर लेफ्ट, मे बी इट इज द राइवल गैरी, यस राइवल गैरी हो सकता है। ओ ओह हेलो देयर ऐश, कांग्रेचुलेशंस तुमने जीत लिया, ये सरप्राइज कैसा था? आपकी टाइमिंग प्रॉपर है प्रोफेसर ऐश, जो फेस करोगे प्रोफेसर ओक, वेल नॉट रियली, वो गैरी है, उसने एलीट फोर को तुमसे पहले बीट किया एंड वो अब पोकेमोन लीग का चैंपियन है। ओह दैट्स राइट, इन द पास्ट ट्रेनर्स जिसने एलीट फोर को डिफीट किया वही जो है यहाँ पर चैंपियंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। दिस टाइम हाउएवर हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं चैंपियन एज अ पार्ट ऑफ द पोकेमोन लीग। प्रोफेसर ओक जो है यहाँ पर ऑफिशिएट है ऑफ द क्रोनिंग ऑफ द पोकेमोन लीग चैंपियन, इट सीम्स ओनली फिटिंग दैट इट शुड बी ईदर तुम और गैरी, सो यू आर द टू हु टुक केयर ऑफ द लीग, नाउ देन हेड ऑनवर्ड स्टेज ऑफ योर फाइनल बैटल। यस दिस इज द फाइनल बैटल फॉर अस, सिक्स ऑन सिक्स मुकाबला होगा ये, मे बी उसका पीजीआउट रह रहा है ना फर्स्ट थिंग, हाँ मे बी वो पीजीआउट के साथ चले जाते हैं, तो शायद पीकाचू जो है वो यहाँ पर मेरी मदद कर सकता है इस बैटल में। मैं पीकाचू को यहाँ पर फर्स्ट में स्विच रख रहा हूँ क्योंकि पीजीआउट ही रहता है उसका। यस पीकाचू को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं वैसे। ऑल राइट सेव कर लिया मैंने वापस से गेम। ओके बाय ड्रैगनाइट, बाय प्रोफेसर। हाँ हे तुमने कर दिखाया मैन, ये ग्रेट था, मैंने एलीट फोर को मैंने डिफीट कर लिया एंड मैं चैंपियन हूँ। सो प्रोबेबली तुमने प्रोफेसर से सुना ही होगा फ्रॉम नाउ ऑन चैंपियन भी जो है वो पार्ट रहेंगे पोकेमोन लीग के। आई एम रियली ग्लैड कि तुम मेरे पहले अपोनेंट हो ऐश, यू आर द वन ट्रेनर जिसने मुझे टेस्ट किया है अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ ऑल, लेट्स बैटल ऐश, द चैंपियनशिप इज ऑन द लाइन, यस द चैंपियनशिप इज ऑन द लाइन, यू आर चैलेंज बाय द चैंपियन गैरी, दिस इज द मेन बैटल फॉर अस। ऑल राइट उसने शुरुआत करी है यहाँ पे पीजीआउट के साथ जैसे मैंने अज्यूम किया था, सो यहाँ पर मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ जिपी जैप के साथ। ओ मेगा पीजीआउट, मे बी ये स्टे रहेगा फिर, आई डोंट नो ये स्टे रहेगा कि नहीं बट शायद से रहेगा, ओके जिपी जैप दे दिए मैंने वैसे तो, यस मैंने कहा था ना क्योंकि मेगा ईगोलो है ना तो शायद से रह जाएगा ये। ओ हीट वेव, यार हीट वेव को इसने डॉच कर लिया, एक और जिपी जैप दे देता हूँ मैं। अच्छा तो वापस बुला लिया इसने एंड मेरवाक को बुला लिया यार इसने। ओके सो इट डजंट अफेक्ट, तो मुझे भी यहाँ पर अभी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। मेरवाक के अगेंस्ट फाइटिंग टाइप मूव किसको पता है वैसे? विनोसॉर, कडाब्रा, कडाब्रा को पता है क्या फाइटिंग टाइप मूव्स? कडाब्रा वापस पिकाचू वापस आ जाओ, कडाब्रा को यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ इस बैटल के लिए। लेट्स सी नाउ बुमरैंग,
ओह हर्ट हुआ यार, काफी ज्यादा हर्ट हुआ वैसे। साइकिक दे देते हैं, लेट्स सी कितना इफेक्ट होता है उस पर। ओह हाफ ऑफ द एचपी उसकी डाउन हो गई बट पूरी नहीं हो पाई, एंड उसी वजह से जो है यहाँ पर कडाब्रा इस बैटल में स्टे ऑन नहीं रह पाया। ब्लास्टोइज, यस ब्लास्टोइज को ये अभी लेकर आना पड़ेगा। मैरोवैक इज अ ग्राउंड टाइप वन ऑल्सो ना, तो शायद से स्केल्ड इस पर जो है वो यहाँ पर वर्क करेगा। लेट्स सी स्केल्ड नाउ, इस बार मैं मेगा एवोल्यूशन ना थोड़ा सा ध्यान से करूँगा यूज। ऑल राइट, सो मैरोवैक को जो है यहाँ पर हम लोगों ने डिफीट कर लिया है स्केल्ड की मदद से। तो अब तक बस उसका एक ही पोकेमॉन डाउन हो चुका है, रिमेंबर पीजीओट अभी भी बाकी है, तो वो जो है यहाँ पर एंड में खलल डाल सकता है, हमें वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओके सो नेक्स्ट अप इज दी वाइप्लूम। ओके तो यहाँ पर अभी हमारा चार्जर्ड ही यहाँ पर वर्क करेगा, क्योंकि चार्जर्ड के अगेंस्ट यहाँ पर मेगा चार्जर्ड कर दूँ क्या वैसे। चार्जर्ड ने पहला मैन ऑफ द मैच ले लिया है, ब्लास्टोइज ने तो दो दो लिए थे एंड एक पिकाचू के नाम पर है। चार्जर्ड ने एक भी मैन ऑफ द मैच लिया नहीं है वैसे। हाँ ब्लास्टोइज के नाम पर दो है, हाँ एक कडाब्रा के नाम पर है, तो बराबर चार हो गए। सो यस वाई वाई के साथ जाएँ, यस वाई के साथ चले जाते हैं यहाँ पर मेगा इवोल्यूशन वाई। जी हाँ गाइस यार ये मजा आएगा अभी। ऑल राइट फ्लेम थ्रोवर दे दिए मैंने, लेट्स सी नाउ। यप सो वाइल्ड ब्लूम को यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर डिफीट कर दिया है वैसे तो। ऑल राइट सो हमारी हीलिंग अच्छी खासी पार्टी ने पोकेमोन गेन कर यहाँ पर गेन कर लिया एक्सपीरियंस। ओके नेक्स्ट अप इज जोल्टियन। जो पोकेमोन मैंने रखा था ना यहाँ पर, मैंने निडोगिंग का इस्तेमाल ही नहीं किया था पूरे इस एलिट फोर्स में, मैंने वैसे इस्तेमाल विनोसॉर का भी नहीं किया है, बट अच्छा है जितने कम पोकेमोन न्यूज हुए ना हमारे, इतना ज़्यादा जो यहाँ पर साबित करता है कि हमारी टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से बिल्डअप थी। यहाँ पर मैं जो हूँ वो मेगा हॉर्न के साथ जाने वाला हूँ। ओके क्विक अटैक, उसको पता है उसकी इलेक्ट्रिक वंस कुछ भी काम नहीं होने वाले, सो उस वजह से यहाँ पर मैंने मेगा हॉर्न दे दिए, एक और मेगा हॉर्न, देन द बैटल विल बी डन एंड डस्टेड। यस एक और मेगा हॉर्न दे देते हैं। ओके क्विक अटैक, उसको पता है यार कुछ मतलब नहीं है हमारे निडोकिंग के ऊपर इस्तेमाल करने का, दैट्स इट। तो यहाँ पर अभी मैंने कह सकते हो कि जोल्टियन को भी डिफीट कर लिया है, सो मे बी उसके पास अभी बस तीन ही पोकेमोन बचे रहेंगे। मैरोवक गया, नेक्स्ट अप वॉज कौन था, नेक्स्ट अप मैरोवक के बाद मैंने पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा है मुझे। ओके सो स्लो ब्रो, उसकी टीम भी जो है यहाँ पर तगड़ी है वैसे। स्लो ब्रो उसने नॉर्मल पोकेमोन ज़्यादा पकड़े हैं, हाँ उसके पास ना नॉर्मल पोकेमोन ज़्यादा है वैसे। उसने ईवी को जो है वह कह सकते हो कि थंडरस्टोन की मदद से जोल्टियन को मैं इवॉल्व कर दिया था। अभी जो है यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ वंस अगेन थंडर के साथ। यस ओ अटैक अवॉइड कर लिया उसने, अच्छा लाइट स्क्रीन कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी मैं जो हूँ वो जाने वाला हूँ थंडरबोल्ट के साथ, लेट्स सी नाउ थंडरबोल्ट कैसे वर्क होता है। ज़्यादा वर्क नहीं करेगा अभी से, क्योंकि अभी भी जो है वो कह सकते हो कि लाइट स्क्रीन वर्क कर रही है, सो इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हमारे पावरफुल मूव्स नहीं जाएंगे उस पर। ओके सो राइट नाउ आई विल बी यूजिंग द जिपी जैप। ऑल राइट सो लेट्स सी जिपी जैप कैसे वर्क होता है। हो ऑलमोस्ट डाउन करने वाला था ये मूव वैसे। ओके तो सर्फ उसने इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पे। ओ पिकाचू थोड़ा सा बच गया है यहाँ पे। जिपी जैप वंस अगेन यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, मुझे पता था यही करेगा यहाँ पे। मैंने बैटल में ना एक भी हीलिंग अपने इस्तेमाल नहीं की है इस गेम में, ये मेरे लिए ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्लस पॉइंट है वैसे तो। ओके जिपी जैप दे दे क्या, थंडर दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ओ अवॉइड कर लिया साइकिक। ओके ओ पिकाचू जो है यहाँ पर डाउन हो चुका है वैसे। थंडर ना फाइनल मूव में आके थंडर काम नहीं किया यार। ओके सो फाइनली अभी विनोसॉर को बुलाने का वक्त आ चुका है। सो ये होता है चैंपियन बैटल, जितने मैंने एलिट फोर के बैटल किए ना उन सब में वो जो है वो एक स्पेशल था एक ही टाइप के लिए, बट अभी जो है ना वो यहाँ पर मेन बैटल आया एंड यहाँ पे हमारा विनोसॉर का इस्तेमाल भी हो गया, चलो यार अच्छी बात थी। ओके सो विनोसॉर हैज गॉन टू लेवल 61 ऑल्सो, ये ट्रेनिंग काम आएगी बाद में। यस तो नेक्स्ट अप इज दी रैपिडैश। तो रैपिडैश के अगेंस्ट मैं वापस बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे अपने ब्लास्टोइज को, जिसने कह सकते हो कि मैरोवैक को डाउन करने में हमारी मदद की थी। तो शायद से ये इसका सेकेंड लास्ट पोकेमोन, सेकेंड लास्ट नहीं लास्ट रहता था, बट पीजीओट ने उसको विड्रॉ कर लिया था उस वजह से। उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो थी बट नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट अस,
ओके सो फ्लेयर ब्लेड्स इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा मुझ पर यार, मतलब नहीं यूज़ करके अपनी खुद से फिर से खाली बोर्ड का रिकॉइल करने का। वाटरफॉल दे दिया है मैंने यहाँ पे एंड यस, तो वन हिट नॉकआउट पंच नहीं हुआ, नॉकआउट पंच मुझे लगा कि नॉकआउट पंच हो गया। ओके तो फुल रिस्टोर उसने इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा बचा था क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ा सा बचा था वो, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। वाटरफॉल दे देते हैं वंस अगेन एंड दिस इज इट गाइज, यार फाइनली जो है यहाँ पर हम लोगों ने ओके डाउन नहीं हो रहे वैसे ये, एक और वाटरफॉल दे देते हैं, ये शायद से लास्ट वाटरफॉल होगा। ओके मुझे लगता है कि वो रिकॉइल की वजह से ही डाउन हो जाएगा ऐसे तो लग रहा है, देखते हैं। नहीं यार ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना देखो रिकॉइल का असर जितना ज़्यादा हम पर असर होगा ना, यानी कि जितना अगर सामने वाला पोकेमॉन 180 में नॉकआउट हो गया ना, तो हमारी 20-30% HP जो है यहाँ पर डाउन होगी, बट कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो हमें भी ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होगा रिकॉइल का। सो यहाँ पर अभी जो है वो मैं जाता हूँ चारिजार्ड को बुला लेता हूँ, क्योंकि मेगा चारिजार्ड वाई वर्सेस द मेगा पीजीओट ये बैटल अच्छा रहेगा वैसे। ओके सो देखते हैं यहाँ पे पीजीओट को उसने लेकर आ चुका है। ऑल राइट तो यहाँ पर अभी जो है वो मैं चले जाता हूँ, क्या करूँ यार, साइस्मिक टॉस दे देते। अरे यार वो देखते हैं ना कैसे सीरीज में लास्ट मूव देते हैं, वो मैं यहाँ पर करने वाला था, बट इसने मेरे प्लान्स को जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि होने नहीं दिया सफल। कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी हम लोग ये कर लेते हैं। ओके सो फ्लेम थ्रोवर दे दिया मैंने एंड दिस वाज इट। तो फाइनली वी हैव सक्सेसफुली डिफीटेड। ओके रो मत भाई इतनी जल्दी, जैसे कि जैसे खत्म चालू हुआ था इसकी रेन, वैसे ही उसका रेन खत्म हो गया एंड आर ऑफिशियली अभी हमारा रेन चालू हो चुका है, वी आर द चैंपियन नाउ। है तुमने डन कर लिया ध्रुव, तुमने पोकेमॉन लीग को हरा दिया है, मेरा सिंसियरेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो जब से मैंने तुम्हें पिकाचू के साथ और वो पोकेडेक्स दिया था। या ऐश तुम एक फाइन यंग मैन बन चुके हो अब, एंड गैरी तुमने भी अच्छा खासा मदद यहाँ पर योगदान दिया। तुमने जो है यहाँ पर तुम एक पहले चैम्पियन हो इस हमारे इस एलिट फोर के, तुमने भी जो है यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट की है अपनी इस जर्नी में और ऐश को यहाँ पर ट्रेन करने में। इट्स हार्ड कि तुम्हारी वीकनेस क्या होगी, बट इट मे हैव कॉज यू अ बैटल। रिगार्डलेस तुम दोनों ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटल दिखाया, शुक्रिया प्रोफेसर। यस ध्रुव तुम जो है यहाँ पर अभी अपनी विक्ट्री को ना सेलिब्रेट करो, तुमने जो यहाँ पर एक मार्वलस बॉन्ड क्रिएट किया है अपने पोकेमॉन के साथ। नाउ ऐश तुम मेरे साथ आओ। यस यस ओके सो सेव हो चुका है गेम यहाँ पे हमारा। तो जी हाँ गाइस यार फाइनली नाउ आई कैन से आई एम द चैंपियन ऑफ द पोकेमॉन ऑफ द कैंटो रीजन। तो समय लगा वैसे कह सकते हो कि चैंपियन बनने में, लगभग काफ़ी सारी चीज़ें भी की थी हम लोगों ने इस रीजन में, काफ़ी सारे थिंग्स जो थे हम लोगों ने टेक केयर भी किए, बट ऑफिशियली जो है वो हम लोग कह सकते हो कि अभी आई कैन क्राउन माई सेल्फ अ चैम्पियन। यस आई कैन क्राउन माई सेल्फ अ चैम्पियन लेडीज एंड जेंट्स। तो यहाँ से जो है वो यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपको तो पता ही है कैसे डिटरमाइंड हो चुकी हैं। अभी हम लोग जो है वो फिर से एक बार चैलेंज नहीं करने वाले हैं एलिट फोर को, जैसा कि मैंने आप लोगों से जो है वो ऑलरेडी कह सकते हो कि बता दिया था। ये एलिट फोर्स को हराने में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है ना वो जाता है हमारे, ये चैम्पियन बैटल जो अवार्ड जाता है ना गाइस यार वो जाता है सबको। यस सब ने जो है वे यहाँ पर इस बैटल में मदद की, पिकाचू से लेकर विनोसॉर तक सारे के सारे मेरे जो टीम के मेंबर्स थे उन्होंने जो है वो यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मदद की एंड हम लोगों सक्सेसफुली जो है वो कह सकते हो कि इस चैलेंज को पार कर सकें। ये वैसे बड़ा एपिसोड था बट कैसे बीत गया ना मुझे समझ ही नहीं आया इस एपिसोड के बारे में,
सो कल से जो है यहाँ पर हम लोगों का पोस्ट गेम मैं चालू कर दूंगा। क्या क्या करने वाला हूँ मैं पोस्ट गेम में, वो मैं पोस्ट गेम में बता दूंगा आप लोगों को। जैसे जैसे हम लोग एपिसोड में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चली जाएगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इन दी पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू पोस्ट गेम। क्योंकि मे बी ये शायद से इस मंथ का किसी गेम का पोस्ट गेम ऑफिशियल रहेगा। पोकेमोन ब्रिलियंट डायमंड में मैं शायद से पोस्ट गेम खेलूँ या ना खेलूँ वो मुझे इतनी ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो आई विल जस्ट सी यू इन द पोस्ट गेम ऑफ द पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू। तब तक के लिए गुड बाय। Hee